शांति। आज 9 नवंबर 2021 है। आज के दिन हम गुण लेंगे फ्राक दिल। फ्राक दिल अर्थात बड़ा दिल। 11 अप्रैल 1985 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने फ्राक दिल के बारे में कहा कि फ्राक दिल बड़ा दिल अर्थात सदा सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला, सदा दानी बन महादानी बन सबको देने वाला, जो बाबा से सर्वशक्तियाँ सर्वगुण सर्वशक्ति प्राप्त है उसे महादानी बन करके सबको देते रहे, यही है फ्राक दिल। परंतु बाबा ने कहा दान हम ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं, तो उन गुण और विशेषताओं से सहयोगी बनना, यह है फ्राक दिल। आज का स्लोगन हम सुनेंगे, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। माया जीत बनकर अपनी बुद्धि का जो प्रीत है वो सदा बाबा के साथ बनी रहे, ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सबसे बड़ी साधना है। इस साधना में चार ऐसी बातें हैं जो विघ्न रूप बन करके हमारे सामने आती है। पहला है देह, दूसरा है देह के संबंध, तीसरा है देह का पदार्थ अर्थात साधन, और चौथा है स्वभाव संस्कार। आज के स्लोगन जो है वो तीसरे विघ्न पर फोकस किया हुआ है कि साधनों को यूज़ करते हुए हम अपने आप को न्यारे कैसे बन सके बनाए कैसे रख सकते हैं और बाप के प्यारे कैसे बन सकते हैं। तो साधनों को जो हम यूज़ कर रहे हैं ये सब अल्पकाल के सुख के साधन हैं, ये प्रकृति के साधन हैं। तो इन प्रकृति के साधनों को यूज़ करते हुए अपने आप को न्यारा रखना ये एक अपने आप में साधना है, और इसको इस साधना को कैसे हम सदाकाल के लिए बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने वृत्ति को अनासक्त वृत्ति बना करके उन साधनों को यूज़ करें उससे हम अपने अंदर न्यारेपन की जो गुण है वो ला सकते हैं। लेकिन जब अनासक्त वृत्ति आसक्त वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है तो हमें ये लगता है कि ये साधना जो है हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमें साधन की सख्त आवश्यकता है, हम साधनों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है इन साधनों के बगैर हमारी साधना संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए बीच बीच में हमारे मन के अंदर उन साधन को प्राप्त करने के लिए इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, बार बार मन उन साधनों के पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो ये न्यारापन नहीं है बल्कि साधनों के पीछे भागना अर्थात इच्छाएं जो है, बाबा हमेशा कहते हैं इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देता, इसलिए हमारा जो बुद्धि योग है भंग हो जाता है, साधना भंग हो जाती है। इसके लिए सदैव हमें ये स्मृति जो सोमान बाबा ने दिया है वो अपने मन में स्मृति सदा रखे कि मैं सच्चा साधक सच्चा ब्राह्मण कमल आसनधारी हूँ, कोई भी प्रकार के साधन मुझे अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, मैं अनासक्त वृत्ति वाली इच्छा मात्रम अविद्या वाली ब्राह्मण हूँ। तो इस स्मृति से हम कोई भी जो साधन है उसे यूज़ करें उसे न्यारे रहें तो बाबा के प्यारे स्वतः ही बने रहेंगे। ओम शांति।